about you a lot. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ छोले की ग्रेवी वाली सब्जी। सबसे पहले मैंने छोले को 4 से 5 घंटे पहले पानी में ढक कर के रख दिया था। इसके बाद मैंने इसे कुकर में डाल के उबाल लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें राई, जीरा, धनिया, खड़ी इलायची और तेजपत्ता, दालचीनी। और यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं कटे हुए प्याज और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर मैं एक कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ। फिर जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इस पे डालने हैं खड़े मसाले, और खड़े मसाले को भी अच्छे से भुनना है। जब खड़े मसाले अच्छे से भुन गए तो मैंने डाली इसमें कटी हुई प्याज। इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक प्याज को पकाना है। तब तक चलो बता देती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, अगर आपको सही लगे तो ही बनाना। वैसे जो मैंने ये छोले बनाए हैं वो काफ़ी टेस्टी बना था, आप अपने घर पर बना सकते हो। और जब 2 से 3 मिनट बाद प्याज पक जाती है तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिलाया। पेस्ट मैं दोनों तरह के, थोड़ा सा मार्केट वाला भी यूज़ कर रही हूँ और कुछ मैंने जिंजर गार्लिक को घर पे ही कूट करके बनाया था। और ये जब ये अच्छे से प्याज रेड हो जाएगी ना तो इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये प्यूरी मैंने पहले से ही मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड करके रखी हुई है। और इसके बाद हम अच्छे से टमाटर का जो पेस्ट है उसे पक जाने देंगे। और जब ये अपना ऑयल छोड़ने लगेगा तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले, जिस पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, बस ये कलर के लिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ। और फिर इसमें मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी। फिर इस पे मैं छोले मसाला भी ऐड करूँगी। छोले मसाला मैं एवरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, या फिर घर पे भी जो छोले मसाले कुछ लोग बनाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा सा नमक और सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इस पे कहीं भी मिर्च नहीं डाली है, तो मैंने ग्रीन चिली इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं तीखा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ और वैसे भी मसाले का तीखापन आ जाता है, तो इसलिए मैंने कोई भी तरह का मिर्ची ऊपर से नहीं डाला है। जब मसाले पक गए तो मैंने इस पे डाला है ये काबुली चना। इसको काबुली चना भी बोलते हैं और छोले भी बोला जाता है। काबुली चने को इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही धीमी आंच में पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी और नमक यूज़ कर सकते हैं। छोले तो सबको पसंद आता ही है क्योंकि इसके साथ हम गर्मा गर्म जब भटूरे खाते हैं तो और भी ज़्यादा इसका मज़ा बढ़ जाता है। और इसे हम गर्मा गर्म पूरियों के साथ भी परोस सकते हैं और चावल के साथ ये और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें उबाल आ गया है और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। छोले एक ऐसी सब्जी है जिसे हम हर एक फंक्शन में, फेस्टिवल में, या फिर कोई गेस्ट आ रहा है तो हम उन्हें ऐसे टेस्टी टेस्टी बना करके सर्व कर सकते हैं और ये सबको पसंद आता है। तो ये थी मेरी बनाई हुई रेसिपी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।